आती है यंग हरियाणा में। आज हम बात करेंगे ऐसी युवा प्रतिभा की जो आपके लिए भी कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन साबित होगी। तो आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे भारतीय मुक्केबाज नीरज गोयत से, लेकिन उनसे बात करने से पहले जरा नजर डाल लेते हैं नीरज के कैरियर पर। देखिए आप उनके कैरियर पर एक रिपोर्ट। करनाल के बेगमपुर गांव में जन्मे नीरज गोयत का नाम आज देश विदेश में कौन नहीं जानता। 24 साल के इस भारतीय मुक्केबाज ने अपनी प्रतिभा से देश विदेश में भारत का नाम रोशन किया है। साल 2006 में नीरज ने बॉक्सिंग की दुनिया में कदम रखा था। एमेच्योर बॉक्सिंग के बाद नीरज ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आ गए, जहां उन्होंने कई खिताब अपने नाम किए। नीरज ने बॉक्सिंग में जूनियर नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। साल 2008 में यूथ नेशनल में गोल्ड मेडल जीता। साल 2010 में ऑल इंडिया सुपर कप में सिल्वर मेडल। साल 2010 में ही ऑल इंडिया एके सुपर कप में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। साल 2011 में नेशनल गेम्स में सिल्वर मेडल अपने नाम किया, तो वहीं साल 2012 में सीनियर नेशनल में सिल्वर मेडल जीता। तो वहीं इंटरनेशनल मुकाबलों में साल 2008 में यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। हाल ही में नीरज गोयत ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग में प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए कोरिया में 6 दौर के प्रोफेशनल मैच के लिए रिंग में उतरे और जीत अपने नाम करके देश का नाम रोशन किया। नीरज गोयत WBC एशिया वेल्टर बेल्ट के एक वरिष्ठ खिलाड़ी हैं, जिन्होंने इस साल एशियन चैंपियनशिप पर अपना कब्जा जमाया था। नीरज गोयत ने रोनल एस्पारस को कोरिया में हुई इस प्रतियोगिता में 6 दौर में सर्वमत निर्णय से जीत हासिल की। नीरज ने प्रोफेशनल बॉक्सिंग में अब तक 9 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 9 मुकाबलों में 5 में जीत हासिल की। प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जहां एक तरफ खिलाड़ियों को नया प्लेटफॉर्म मिल रहा है, और वहीं भारत का नाम प्रोफेशनल बॉक्सिंग में और भी ज्यादा मजबूत हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। हरियाणा के छोरे के मुक्के कदम विश्व में विख्यात है। कुल मिलाकर इस रिपोर्ट के बाद हम यही कह सकते हैं। नीरज गोयत हमारे साथ में स्टूडियो में इस वक्त। नीरज गोयत जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। अच्छा नीरज, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, बचपन से ही सोचते थे कि एक बॉक्सर बनना है, या फिर क्योंकि बचपन में बच्चों के हमेशा सपने होते हैं कि मुझे पायलट बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, तो ऐसे कुछ सपने थे, या फिर बचपन से सोचते थे कि मैंने जाना है और मुक्के ही मारने हैं? ऐसा तो कुछ नहीं था कि सिर्फ मेरे को बॉक्सिंग ही करनी थी, सिर्फ स्पोर्ट्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट था। क्योंकि जब बचपन में था, मैं छोटा सा था, तो सबको देखता था, बड़े बड़े तगड़े जो भी हैं सब स्पोर्ट्समैन हैं, तो इसलिए इंटरेस्ट जागा और मैं स्पोर्ट्स में चला गया। मतलब आपको बेसिकली फिजिक्स से बहुत लगाव था कि मतलब अच्छी खासी बॉडी होनी चाहिए? हाँ, सिर्फ यही था कि सिर्फ मैं ये था कि जैसे अच्छी बॉडी हो उसके लिए स्पोर्ट्स करना पड़ेगा, और फिर बॉक्सिंग में चला गया धीरे धीरे। मतलब मेरे को ये नहीं था कि बॉक्सिंग में जाना, एथलेटिक्स शुरू की, बास्केटबॉल खेला, देन बॉक्सिंग में थोड़ा सा इंटरेस्ट आया और बॉक्सिंग में चला गया। बॉक्सिंग में इंटरेस्ट की कोई खास वजह, मतलब क्या, क्यों आपने बॉक्सिंग को कैरियर के तौर पर चुना? बस यही था कि स्कूल में जैसे सबके बच्चों की लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, पीटने का शौक था, मारने का शौक था। मुक्के मारने का नहीं था, सिर्फ ये था कि
कोई मुझे मारे ना, अगर कोई मारे तो मैं उसको जवाब दे सकूं। मतलब ऐसा कि अगर मुझे किसी ने हाथ लगाया तो मुक्के मार के नीचे गिरा दूंगा, उठ ना पाए कोई। हाँ ऐसा। सिर्फ इतना था। तो यही चीजें मैदान पर भी नजर आती है, पिच पर भी ये बिल्कुल सेम टू सेम यही चीजें होती है। हाँ, रिंग में उतरते हाँ, रिंग में यही होता है कि जो अपना सामने वाला अपोनेंट है उसके मुक्के बचा के उसको मारना है। मतलब अच्छा, जब आप उतरते हैं, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे चीजें होती हैं दिमाग में उस वक्त की, मैंने जाना है, मेरे कोच की बहुत ज्यादा मुझसे एक्सपेक्टेशन है, देश भी बहुत इस वक्त उम्मीदें लगाए बैठा है। जब आप उतर रहे हैं तो अपने लिए भी खेल रहे होते हैं कि मेरी नाक का सवाल है, तो दिमाग में इतनी सारी चीजों के साथ में, मतलब कैसे जब आप आगे बढ़ते हैं, जब आप रिंग पे उतरते हैं तो डिसाइड करके उतरते हैं कि मैंने जाना है और जीत के आना है। ऐसा तो होता है, सब जितने भी बॉक्सर हैं, जो भी खिलाड़ी है, सब ये सोचते हैं कि मैं जाऊं और जीत कर आऊं। लेकिन उस जीत को हासिल कैसे करना है, उसकी प्लानिंग रिंग से नीचे, जब जिस टाइम होते हैं तो रिंग से नीचे उसी की प्लानिंग होती है कि मेरा अपोनेंट कैसा है, वो क्या खेलता है, मतलब उसको अपने हिसाब से खिलाना है, उसको अपने हिसाब से खेलूं, वो मेरे हिसाब से खेले और ताकि मैं जीत हासिल कर पाऊं। ये मुक्केबाजी में सिर्फ हाथों का खेल है या फिर दिमाग का खेल है पूरा का पूरा? नहीं, लोगों को बताइए जरा कि मतलब बॉक्सिंग क्या है। हाँ, तो यही कहना चाहूंगा कि बॉक्सिंग मुक्कों का खेल नहीं है, ये एक तरह चेस मान लो कि ये चेस की बाजी, किस टाइम पर क्या पंच मारना है। सिर्फ मारने जाओगे तो वापस मुक्के खाओगे, तो ये चेस है, किस टाइम क्या चाल चलनी है, दिमाग का पूरा खेल है। मतलब आपका पल पल एक एक फ्रेम में आपको सोचना है, आपकी आईज एकदम से, दिमाग आपका सब कुछ मूवमेंट में सब में सब कुछ है, तुरंत तुरंत आपने रिएक्ट करना है ऐसा। हाँ बिल्कुल, ये है कि बॉक्सिंग में सिर्फ एक सेकंड मिलती है, एक सेकंड भी नहीं मिलती, अगले का पंच आ रहा है, मुझे उसको बचा के क्या पंच मारना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मतलब बचपन से आप काफी शातिर रहे हैं? नहीं, बचपन से तो नहीं, बॉक्सिंग में आने के बाद हो गया हूँ। शातिर बना दिया बॉक्सिंग, बॉक्सिंग ने बना दिया। प्रोफेशनल बॉक्सिंग को आपने कैरियर के तौर पर चुना, इसकी कोई खास वजह? हाँ यही था, प्रोफेशनल में जल्दी से जाए ऐसा होता नहीं और इंडिया के अंदर ज्यादा कल्चर भी नहीं है ऐसा। हाँ ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं इंडिया टीम में, सीनियर इंडिया टीम में था मैं, जब 2010 की कॉमनवेल्थ गेम्स हुई तब भी मैं था, 2012 का ओलंपिक हुआ तब भी था, इंडिया टीम में था तब भी मैं। तो बस यही था कि नंबर टू रहने का शौक नहीं था मुझे, क्योंकि मैं नंबर वन मेरे वेट में जय भगवान था, तो मुझे शौक नहीं था कि मैं नंबर टू रहूं। तो मैंने सोचा कि कुछ और किया जाए, तो आजकल इंटरनेट का जमाना है, तो सर्च किया और सर्च कर करके मैं प्रोफेशनल बॉक्सिंग तक पहुंच गया। एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका अभी तक का पूरा का पूरा? अभी तक 10 मुकाबले लड़ चुका हूं मैं, 4 राउंड, 6 राउंड, 8 राउंड, 12 राउंड तक लड़ा हूं। तो मतलब ये है कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग खेलने के बाद पता चला कि बॉक्सिंग क्या है। यहाँ पे अमेच्योर बॉक्सिंग में सिर्फ 3 राउंड होते हैं, 3 राउंड तो ये लगा लो कि छोटी सी दौड़ लगाई और वापस, उसमें तो ये है कि 40 किलोमीटर भागना ऐसा होता है 12 राउंड। और उसमें मतलब आपका आपके पेशेंस भी वहाँ पे होते हैं, आपका स्टैमिना, मतलब एकदम चीजें निखर जाती हैं, आप ये कह रहे हैं कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग में मतलब बहुत ज्यादा दिमाग, बहुत ज्यादा स्टैमिना, स्ट्रेंथ, दिमाग, सब चीज चाहिए उसके अंदर। तो फिर यहाँ पर आप मतलब किस तरह से देखते हैं हमारे यहाँ का जो सिस्टम है, चूंकि आप कह रहे हैं कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग ज्यादा बेहतर है क्योंकि वहां पर आप बिल्कुल डेप्थ में चले जाते हैं, यहाँ तो आप ऊपरी ऊपरी सतह पर तैर रहे होते हैं लेकिन वहां आप बिल्कुल गहराई में उतर जाते हैं, तो यहाँ पर हमें किस तरह के बदलाव करने की जरूरत है? अभी प्रोफेशनल बॉक्सिंग इतना फेमस नहीं है इंडिया में, लेकिन जो बॉक्सिंग को वर्ल्ड में जानते हैं, जैसे भी बॉक्सिंग को वर्ल्ड में जानते हैं, तो सिर्फ प्रोफेशनल के नाम से जानते हैं। जैसे माइक टाइसन गली में कोई घूमता हुआ उसको भी पता होगा कि माइक टाइसन कौन है, कोई भी किसी को भी उठा लो, मोहम्मद अली, तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग के बारे में सब जानते हैं। तो इंडिया में नहीं है इतना, लेकिन अभी मैंने शुरू की, और जैसे विजेंद्र सिंह पहले अमेचर बॉक्सिंग में भी एक पहला मुक्केबाज ऐसा है जिसने ओलंपिक में मेडल लिया, तो उसकी वजह से, तो अभी धीरे धीरे, और इंडिया में काबिलियत है जो बॉक्सर हैं उनके अंदर है कि वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग में आ सके और इंडिया का नाम रोशन कर सकें। अच्छा, हमने देखा ज्यादातर बॉक्सिंग हो, रेसलिंग हो, हरियाणा के खिलाड़ी ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, वो बात और है कि अभी तो धीरे धीरे और स्टेट्स के भी जो खिलाड़ी हैं वो आगे आ रहे हैं, चूंकि अब खेल नीति को लेकर हर कोई मंथन कर रहा है और हर कोई नजर आ रहा है किसी को कि जब हरियाणा के खिलाड़ी इतने आगे बढ़ सकते हैं तो आजकल सब लोग खैर प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि मतलब क्या खास बात है कि सिर्फ हरियाणा के खिलाड़ी सबसे ज्यादा तादाद में आगे आए खेल के इस मैदान में? खेल के जो कुश्ती हुआ, कबड्डी हुआ, बॉक्सिंग हुआ, मेरे ख्याल से अपना नॉर्थ इंडिया ही इसमें अच्छा है, क्योंकि हम लोगों के पास दिल है और ये जो खेल है ये दिल से शुरू होते हैं और दिमाग पर खत्म होते हैं। मतलब पहले पैशन दिल से आया, हाँ, उसके बाद खेलना कैसे वो दिमाग से आया, हाँ, और यही चीज, और हरियाणा के लोगों में ज्यादातर आप ये कहना चाहते हैं, हाँ, क्योंकि खुद आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, किसी भी खिलाड़ी की भावनाओं को आहत नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हरियाणा नहीं, मैं एक सिर्फ हरियाणा के कल्चर की बात कर रहा हूँ, या जैसे हरियाणा, तो हरियाणा के कल्चर में ऐसा क्या खास है मतलब कि आपका ये दिल जिसको आप बोलते हैं जिगरा, हाँ, ये जिगरा भी स्ट्रॉन्ग और दिमाग से भी आप लोग शातिर, कैसे, मतलब क्या ऐसा खास है हरियाणा की संस्कृति में?
हरियाणा की संस्कृति ये है कि मतलब सबसे ज्यादा आप राजनीति देख लो हरियाणा से शुरू होती है, और दिल्ली हमारे बहुत ज्यादा नजदीक है, हरियाणा के नजदीक है, तो पूरे इंडिया में राजनीति दिल्ली से चलती है। तो एक तो दिमाग से तेज तो राजनीति की वजह से है, और दिल तो मतलब ये लगा लो कि हरियाणा और पंजाब में सबसे ज्यादा आप फिजिक भी जिनकी ज्यादा होती है, ज्यादातर अपने इधर पंजाब और हरियाणा में ही मिलेंगे। तो इसीलिए मतलब दिल से तो तगड़े होते हैं हरियाणा वाले, और राजनीति की वजह से दिमाग से भी तगड़े हैं। मत दोनों चीजें हो गई। अच्छा आगे क्या प्लानिंग है नीरज? अभी आगे प्लानिंग मेरी यही है कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग में, जैसे अभी मेरे 10 मुकाबले हुए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि आगे फ्यूचर में WBC का वर्ल्ड टाइटल हासिल करने का उसकी कोशिश करूंगा। वहां तक पहुंचना मेरे लिए मतलब WBC की वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अच्छा विजेंदर जब यहाँ आ रहे थे प्रोफेशनल बॉक्सिंग की ओर, तो उस दौरान में नाराजगी सामने आई थी खेल मंत्री की, और बार बार ये भी कहा जा रहा था कि अब हमें अपनी नीति को बदलने की जरूरत है, अगर हमारे देश के लिए कोई खेल रहा है तो ये उनकी भावनाओं को आहत करने जैसा है। उस पर मतलब क्या सोचते हैं आप? जैसे प्रोफेशनल बॉक्सिंग के बारे में मैंने आपको बताया कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग के बारे में इंडिया में पता ही नहीं है किसी को। अभी जैसे धीरे धीरे पता चल रहा है, मेरे ख्याल से USA में हुआ, UK में हुआ, वहां पे तो प्रोफेशनल बॉक्सिंग को बहुत ज्यादा दिया जाता है। और अब अपने इंडिया में भी हर एक चीज प्रो आ रही है, प्रो कुश्ती शुरू होगी, प्रो कबड्डी शुरू होगी, प्रो बैडमिंटन शुरू हो गया, तो बॉक्सिंग एक नई चीज है। तो मेरे ख्याल से अभी जब सब लोगों को समझ में आ गया कि ये भी प्रो उन्हीं का प्रो की जैसी है, तो इसमें सब सहमत हो जाएंगे। लेकिन मतलब उस वक्त ये नाराजगी कितनी जायज थी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ। देखो उस टाइम का मेरे को पता नहीं है, क्योंकि उस टाइम मैं आउट ऑफ कंट्री था, मैं ट्रेनिंग के लिए गया हुआ था कोरिया लेकिन अच्छा में। आपके आपके हिसाब से अगर देखा जाए, आपके लिहाज से अगर कोई भी हमारे देश के लिए खेल रहा है, उसके बाद वो जाता है प्रोफेशनल के लिए, वो जाने की कोशिश करता है या फिर जाने की बात करता है, तो ये कितना जायज है? मतलब आप क्या मानते हैं, क्या ये वाकई देश के जो लोग हैं जो ट्रस्ट करते हैं हमारे खिलाड़ियों पर, क्या उनकी भावनाओं के साथ में धोखे जैसा है, क्या उनको हर्ट करने जैसा है भावनाओं को? नहीं, ये देखो पहले तो एक खिलाड़ी के हिसाब से, खिलाड़ी जब दूसरे देश में खेल रहा है, कहीं पे भी खेल रहा है, तो देश का नाम कर ही रहा है, उसमें देश का नाम आ ही रहा है। अभी विजेंद्र खेल रहा है UK में, तो उसमें नाम आएगा, हाँ भाई विजेंद्र सिंह कहाँ से, इंडिया से है। तो मेरे ख्याल से ये खेल हित में ही है, जब जो बॉक्सर है बाहर जाके इंडिया से बाहर खेल रहा है, तो वो अगर UK में खेल रहा है तो UK का नाम नहीं कर रहा, हम कोरिया में खेल रहे हैं तो कोरिया का नाम नहीं कर रहे, USA में खेलेंगे तो USA का नाम नहीं हो रहा, वो इंडिया का ही नाम हो रहा है उसमें, कि भाई उसमें मेरे ख्याल से खिलाड़ी मतलब का आप नाम कहते हैं कि कम। अगर कोई भी खिलाड़ी कहीं भी खेलना चाहते हो तो कोई रोक या बंदिश नहीं होनी चाहिए। हाँ, रोक या बंदिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो देश का नाम ही रोशन कर रहा है लेकिन कहीं पे लेकिन भी। सरकारें ये कहती हैं कि हमने जब आपको प्रमोट किया, जब सारी चीजें हमने आपको प्रोवाइड कराई, तो फिर आप कैसे ऐसे छोड़ के जा सकते हैं बीच में, नहीं ये जैस लॉजिक जो सरकार का होता है। तो अभी मैं बता देता हूँ, जैसे आप विजेंदर के मामले में लगा सकते हो, मैं तो अपने बारे में तो कहूंगा नहीं, क्योंकि जब मैं इंडिया टीम में था दूसरे नंबर पे था, फर्स्ट नंबर पे कोई और था। अभी जैसे विजेंदर के वेट में विकास कृष्ण यादव आ चुका है, एक नंबर पे है, वो भी हरियाणा पुलिस में DSP है। तो विजेंदर को अगर हम इंडिया में रखते भी हैं, तो मेरे ख्याल से ट्रायल्स में वो विजेंदर उससे विकास से जीत नहीं पाता, तो विजेंद्र का अच्छा डिसीजन है कि वो प्रोफेशनल में चला गया। इधर से उसी वेट कैटेगरी में विकास ओलंपिक खेलेगा, उधर से विजेंद्र अपना नाम कर रहा था, मतलब दो जगह पे अपना नाम हो रहा है देश का। मतलब जिसको जहां पे मौका मिले आप ये कह रहे हैं कि उसको वहां पे चले हाँ, जाना वहां पे चाहिए, चला जाना चाहिए। लेकिन जब देश की जिम्मेदारी आए तो देश की जिम्मेदारी को निभाओ, उसके बाद में जब अपने बारे में सोचना हो तो अपने बारे में हाँ हाँ सोचना हो, ये बिल्कुल, मानकर लेकिन चलना। ये है कि ऐसा नहीं है कि हम प्रोफेशनल बॉक्सिंग खेल रहे हैं तो उसमें देश का नाम नहीं हो रहा, उसमें भी देश का नाम हो रहा है। अच्छा फैमिलीज अक्सर जल्दी से प्रमोट नहीं किया करती थी पहले कि आप खेलों में ही जाओ, वो तो ठीक है कि अब चूंकि ग्लैमर बढ़ रहा है खेलों के अंदर भी, लोग इसलिए भी फैमिलीज आजकल लड़कियों को भी लड़कों को भी सब कहते हैं कि हाँ ठीक है जाओ आप देश के लिए खेल रहे हैं, लेकिन पहले आपकी फैमिली में फुली सपोर्ट किया गया आपको कि आपने जब चुना कि हाँ बॉक्सिंग इज माय कैरियर, यही मेरा भगवान है, तो परिवार वाले कितना साथ थे उस वक्त? नहीं, फैमिली का तो ये था कि जब उनको पता लगा कि मैंने बॉक्सिंग शुरू कर दी है, तो वो मेरे को बोलते थे कि क्या मुक्के खा रहा है अपना, हाँ चेहरा बिगाड़ेगा, शक्ल चेहरा खराब खराब हो कर लेगा। जाएगा। तो मैंने बोला वैसे भी शक्ल से मैं सलमान खान तो हूँ नहीं कि मेरे को अच्छा मूवीज मिलेंगी, तो जितना है थोड़ा बहुत इसमें बॉक्सिंग में नाम कर लिया जाए। तो फैमिली वाले थोड़े दिन तो उन्होंने कुछ बोला, लेकिन उसके बाद जब मैं नेशनल में आया, इंटरनेशनल में मेरा नाम हुआ, तो उनकी सपोर्ट रही मेरे अच्छा साथ। आपको बॉक्सिंग तक लाने वाला कौन, मतलब क्योंकि अक्सर कोई ना कोई किसी के पीछे है, तो यहाँ पर आपके मेंटर के तौर पर किसने काम किया? नहीं, मेंटर के तौर पे मेरा वैसे जितने भी मेरे यार दोस्त हैं सभी ने मेरा सपोर्ट किया। मैं किसी के पास भी, जैसे एक खिलाड़ी मान लो ट्रेनिंग करके आया, उसके बाद उसको रेस्ट करना जरूरी है, तो जब मैं रेस्ट करना होता था तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो करने भी पड़ेंगे, तो मैं किसी भी अपने किसी भी फ्रेंड को कॉल कर देता हूँ कि भाई मेरा ये काम कर दे। तो मेरे ख्याल से सब सब सबने आपके लिए सपोर्ट किया। अवेलेबल हाँ, रहते हैं। सब किसी को किसी टाइम भी बोल दूँ मैं। तो ये मतलब चीजें प्लस पॉइंट रही हैं आपके साथ में, दोस्तों का साथ खूब मिला, फैमिली हाँ बिल्कुल। ने पहले भले ही बोला हो कि मुक्के खा के शक्ल मत बिगाड़, लेकिन उसके बाद हाँ फैमिली भी साथ में आ गई, चूंकि देखा कि बेटा नाम कमा रहा है, तो वहां नहीं, पर बिल्कुल भी बिल्कुल आप आगे आ बिल्कुल। गए। इतनी कम उम्र में
अचीवमेंट्स हासिल की हैं, श्रेय किसको देते हैं? नहीं, कम उम्र तो नहीं है, काफी उम्र है मेरे ख्याल से, 24 भी बड़े यंग हैं आप। नहीं नहीं मेरे, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे दोस्त हैं डीएसपी विकास यादव, वो मेरे ख्याल से सबसे छोटी उम्र में डीएसपी लगे थे हरियाणा में। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो मेरे ख्याल 17-18 में बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, तो छोटी उम्र तो नहीं है। लेकिन बाकी जो मेरे कोचिज हैं, एक महावीर सिंह है, द्रोणाचार्य अवार्डी महावीर सिंह, उनका मेरे साथ हमेशा सपोर्ट रहा है। उन्होंने मतलब जहां तक आज तक मैं जब जिस जगह पे मैं आज बैठा हूँ उन्हीं की वजह से, उन्होंने मेरे को बहुत ट्रेनिंग कराई उन्हीं की वजह से। अच्छा, अभी हमें खेलों में हम अभी काफी पीछे हम ये देखते हैं, क्योंकि चाहे ओलंपिक्स हो या फिर एशियाड गेम्स हो, वहां पर देखते हैं कि हम जितने हमें मेडल्स लाने चाहिए उतने मेडल्स हम नहीं ला पाते हैं। चाइना आगे और कंट्रीज आगे, हम रेस में तो रहते हैं लेकिन हम अभी भी कछुए की चाल चल रहे हैं, तो कहां पर कमियां हैं आपके हिसाब से? कमियां तो नहीं कह सकते क्योंकि सरकार जो है अपनी, हरियाणा सरकार हुई या इंडिया की जो भी गवर्नमेंट है, जो स्पोर्ट्स फैसिलिटी है वो सब कुछ। देखिए ये हर कोई मानता है कि जितना जज्बा जितना हुनर भारत देश में है उतना और कहीं नहीं, लेकिन क्या हम उसको उतने अच्छे तरीके से एनहेंस नहीं कर पा रहे? मतलब क्या हम उनको उतने अच्छे तरीके से निखार नहीं पा रहे? मौका नहीं मिल रहा लोगों को? मतलब क्या आप समझते क्या है वो? ठीक है हम लेकिन दौड़ में तो हैं पर हम नंबर वन नहीं, जैसा कि आपने कहा कि नंबर वन बनने के लिए आपने प्रोफेशनल बॉक्सिंग को अपने लिए चुन लिया, तो ऐसे ही अगर हमें नंबर वन बनना है तो, क्योंकि एक खिलाड़ी हैं आप पूरे सिस्टम को भी देख रहे हैं, आप खिलाड़ियों को भी जानते हैं और हर चीज को आप जानते हैं, आपने देखा है क्योंकि चीजों को आप फेस करते हुए आगे बढ़े, तो कहां पर हमें है कि हम यहां पे और बहुत काम करने की जरूरत है? अगर हम यहां पर काम करते हैं तो हम नंबर वन पर हो जाएंगे, फिर क्या हमारे सामने चाइना, क्या हमारे सामने अमेरिका, फिर कोई? हाँ, क्योंकि जैसे चाइना वगैरह की जहां पे भी, चाइना की बात कर रहे हैं, चाइना भी जैसे यूएसए से भी आगे हो गया है स्पोर्ट्स में, तो उनकी खेल नीति थोड़ी सी अलग तरीके की है। मतलब हर एक स्कूल में उन्होंने जैसे स्पोर्ट्स को कंपलसरी किया हुआ है। अपने यहाँ पे स्कूल में क्या होता है कि एक पीरियड होता है, गेम्स पीरियड एक हो जाएगा, उसके बाद बच्चे क्या करेंगे? उसके बाद क्योंकि उनको पढ़ाई का भी बर्डन है, ट्यूशन जाना होता है, तो मतलब कम से कम स्कूल में 3-4 पीरियड ऐसे रखने चाहिए कि जहाँ पे बच्चों के अंदर उनका हुनर देखा जाए। हर एक स्कूल के अंदर ऐसी फैसिलिटी होनी चाहिए, स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट होने चाहिए वहाँ पे, सिर्फ एक पीटीआई या डीपी से काम नहीं चलना चाहिए, वहाँ पे हर एक गेम के कोचेस को रखना चाहिए, चाहे उनको थोड़ी नॉलेज है, ताकि वो वहां से बच्चों को निकाल के आगे तक पहुंच सके। तो सबसे पहले बेस अपना स्कूल है, तो अपने स्कूल्स में सुविधाएं, पढ़ाई पे मेरे ख्याल से ज्यादा दिया जाता है ध्यान, और स्पोर्ट्स पे कम दिया जाता है। तो कम, बहुत कम स्कूल है जहां, तो आपका मानना ये है कि जिसमें जो हुनर हो उसको बचपन से निखारने की जरूरत है बचपन में, क्योंकि अगर हम स्पोर्ट्स पे बचपन से ध्यान नहीं देंगे, मान लो अगर किसी को बॉक्सर बनना है और वो 15 साल के बाद आ रहा है, तो काफी उम्र निकल गई, हाँ, तो अभी वो सीधा सीनियर में जाके, वो जो सब जूनियर की हैं जहाँ से उसको इंटरनेशनल में लोग जानने लगेंगे, वो उसकी जो टाइम है वो उसको खो देगा। तो अच्छा, कभी आपको ऐसा लगा जिंदगी के अंदर कि ये मेरा कदम गलत था, ऐसे कोई आपके सामने ऐसी कोई नौबत आई, ऐसा कोई जिंदगी में कभी ऐसा कोई पल, कोई ऐसा पहर आया जिसमें लगा हो कि ये मेरा कदम गलत था यार, ये मुझसे गलती हो गई, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। मैं तो मतलब सोचता हूँ कि मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं जो भी सोचा वो ठीक ही हुआ, चाहे मैं गलत रखने में, मतलब मेरा दिमाग ये बोलता है कि पहले मैं कर लूँ काम को, गलत क्या है सही क्या है वो बाद में सोचा जाएगा। मतलब ये जिंदगी को जीने का, आप कहते हैं कि अगर आप सच में जीत पाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले कदम उठाओ, उसके लिए पहले, लेकिन पहले लोग कहते हैं कि प्लानिंग कीजिए, उसके बाद अगर आप जो भी काम करने जा रहे हैं वो प्लानिंग के साथ में वो काम आपका सक्सेसफुल होगा ही होगा। क्योंकि अगर हम कोई प्लानिंग करेंगे तो एक दो जो हमारे फैमिली मेंबर होंगे या दोस्त होंगे उनसे हम पूछेंगे, वो पता नहीं कब तक वो अपने दिमाग से सोच के बताएंगे, तो तब तक मेरे ख्याल से 1-2 महीना चला जाएगा, तो हम वो 1-2 महीना वेस्ट करने के बजाय जो हमने सोचा है वो कर लें, और 2 महीने के बाद अगर जो भी रिजल्ट आना है तो देखी जाएगी। मतलब पहले एक बार आजमा कर देख लेते हैं, अगर सही है चीजें, गलत सही होगा तो बहुत अच्छी बात है, गलत हुआ तो सीख लेंगे। हाँ, ये मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में आप जिंदगी को बिल्कुल जीते बिल्कुल हैं। और मैं मतलब स्पोर्ट्समैन जितने भी होंगे, मेरे ख्याल से जितने भी स्पोर्ट्समैन होंगे अपने हरियाणा में, उनको यही कहना चाहूंगा कि सोचो कि ये करना है तो वो हो जाएगा। एम सबसे पहले 2 चीजें होनी चाहिए दिमाग में, एक हो एम और उसको प्राप्त करने के लिए अपनी ट्रेनिंग, मेहनत, बस ये 2 चीज होनी चाहिए। मतलब पहले आपका खुद पर विश्वास, फिर दूसरी आपकी अपनी मेहनत। बस नहीं, विश्वास नहीं भाई, विश्वास ये कर लिया कि मेरे को ओलंपिक में मेडल लेना है, ओलंपिक बहुत बड़ी बात है सोचते सब है, लेकिन उस ओलंपिक तक जाने के लिए घर पे सोने से काम नहीं चलेगा, सुबह शाम ट्रेनिंग पे जाना पड़ेगा। और आजकल मतलब टीवी पे देखो क्या चल रहा है, कोई किसी भी गेम का उसके बारे में देखो क्या चल रहा है, तो तभी अपने एम तक पहुंच पाएंगे। तो तैयारी करने का ये तरीका आपने भी एग्जैक्टली वैसी ऐसी ही, हाँ, वैसे ही किया, और अभी भी चली रही है दौड़। तो मेरी अभी WBC वर्ल्ड टाइटल के लिए मैं सोच रहा हूँ, तो
अभी आपने पीछे से सुना भी होगा, फ्लॉयड मेवेदर और मैनी पैक्यो की बहुत महंगी फाइट हुई थी। तो मेरा एम, मेरे एम दो ही हैं कि एक तो भारत में अच्छी तरह से प्रोफेशनल बॉक्सिंग आ जाए, क्योंकि जैसे जो दो नंबर के मुक्केबाज हैं जिनका एक नंबर पे नहीं है, क्योंकि सब ओलंपिक नहीं खेल सकते, सब कॉमनवेल्थ नहीं खेल सकते, तो जो स्पोर्ट्समैन हैं उनके लिए कुछ प्लेटफॉर्म खड़ा किया जाए इंडिया में, मिले बराबर। हाँ, और वो प्रोफेशनल में आए उनके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करूं, और दूसरा मेरा ये है कि WBC का वर्ल्ड टाइटल की जो फाइट है वो खेलूं। और इसके लिए आप, आपकी तरफ से क्या एफर्ट्स अभी तक किए जा रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि प्रोफेशनल बॉक्सिंग इंडिया के अंदर आए, आप ऐसे चाहते हैं, लेकिन उसके लिए एफर्ट्स क्या हैं? उसके लिए एफर्ट्स ये हैं कि सबसे पहले इंडिया में हमारी ऑर्गेनाइजेशन है प्रो बॉक्सिंग इंडिया, सबसे पहले उसने May 31st को इवेंट करवाया था, इंटरनेशनल बॉक्सर्स आए थे उसमें, सब WBC के मेंबर भी आए थे। सबसे पहले वो इवेंट हुआ था दिल्ली में साकेत में 31 मई को। उसके बाद दूसरा नेशनल लेवल का इवेंट मैंने खुद ऑर्गेनाइज किया था यमुनानगर हरियाणा में। ओके, तो मैंने स्टार्ट कर दिया है। स्टार्ट चीजें कर रहे हैं। हाँ, स्टार्ट कर दिया है, तो प्लानिंग यही है कि आप लोगों की मीडिया की सपोर्ट रहेगी और अपने जनता की सपोर्ट रहेगी, तो मेरे ख्याल से प्रोफेशनल बॉक्सिंग बहुत। हरियाणा की खेल पॉलिसी को आप किस तरह से देखते हैं? हरियाणा की खेल पॉलिसी बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि जितने भी खिलाड़ी हैं उनको अच्छी अच्छी नौकरी मिल रही है और अच्छा पैसा भी मिल रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से सब स्पोर्ट्समैन अमीर नहीं होते, तो उनको अच्छा अपनी फैमिली के लिए वो अच्छा कर पा रहे हैं, तो हरियाणा खेल नीति बहुत ज्यादा अच्छी है। इसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं है? नहीं, इसमें बदलाव तो मैं तो चाहूंगा। देखिए, ऐसा हुआ कि काफी सारे लोगों ने नाराजगी जाहिर की, काफी सारे लोगों ने कहा कि आपने उनको तो DSP का पद दे दिया, मुझे DSP का पद नहीं मिला। नहीं, अभी मनोज के लिए चल रहा है। हाँ, वो मनोज तो मेरा बड़ा भाई, और उन्होंने आरोप लगाया, उसके बाद में उनके खेल मंत्री से मुलाकातें भी हुई, अभी आश्वासन मिल रहा है, चीजें इन प्रोसेस हैं। नहीं, मैं मनोज के लिए ही बता देता हूँ आपको, मनोज मेरे बड़े भाई हैं, ये लगा लो, वो मेरे सीनियर बॉक्सर हैं, उन्होंने बहुत कुछ जैसे ट्रेनिंग में मेरे को बताया ये पंच ऐसे मारना है, पंच ऐसे मारना है, तो मनोज थे कि वो DSP लगाए जाए, मतलब उस टाइम जब उनका 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल आया था, तो लेकिन मेरे ख्याल से उस टाइम वो उस चीज को ले नहीं पाए, क्योंकि रेलवे का कुछ था, रेलवे में जॉब कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मनोज के लिए DSP पद जरूरी है, मनोज को DSP पद मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बाकी थोड़ा बहुत तो किसी उतार चढ़ाव चलता रहता है, क्योंकि सरकार की नजर में कोई आ रहा है कोई नहीं आ रहा है, तो इसलिए, लेकिन सबके लिए खेल नीति बराबर होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से है भी, थोड़ा बहुत एक तो के लिए तो चलता ही है। कोई आखिर में कोई संदेश देना चाहते हैं हरियाणा की आवाम को, हरियाणा की जनता को? हरियाणा की जनता को तो मैं क्या कहना चाहूंगा, मैं तो अपने जो मेरे छोटे खिलाड़ी भाई बहन हैं उनको ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ मेहनत करो और अपना एम पकड़ लो, उस तक पहुंचने के लिए मेहनत करो। चलिए, बहुत शुक्रिया आपको स्टूडियो में आने के लिए, और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में, हम मानते हैं जानते हैं कि आप तरक्की खूब करेंगे, और ऐसी हमारी शुभकामनाएं आपको, बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। तो जीवन जीने का तरीका क्या होना चाहिए, आपका टारगेट क्या है, अलग अलग खिलाड़ियों को अलग अलग क्षेत्रों से लोगों को बुलाकर हम आपको यही बताने की कोशिश करते हैं कि आप उनसे जानिए, तभी आपके सवालों को हम यहां तक पहुंचाते हैं और आप तक उनकी बात पहुंचाते हैं, ताकि आप भी अपने जिंदगी के लिए कुछ ऐसे नियम तय कर पाए जिनके जरिए आप बहुत तरक्की करें। चलिए, इसी के साथ यंग हरियाणा में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहें जनता TV। नमस्कार।